अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम ख्वाजा समीर है। पूरी दुनिया में हमारे शहर सियालकोट को खेलों की सामान की वजह से पहचाना जाता है, जहां दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटिंग स्टार सियालकोट का बना बैट इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेशनली जितना भी फुटबॉल खेला जाता है वो फुटबॉल सियालकोट में ही बनता है। तो क्या वजह है कि सियालकोट के नौजवान के लिए जदीद खेलों की सहूलतों का फुकदान है? पाकिस्तान T20 की कामयाब तरीन टीम सियालकोट स्टैलियंस कहाँ गई? PSL 8 में जो नई टीम आने की बात चल रही है, क्या वो सियालकोट से होने वाली है? 113 साल पुराना सियालकोट का क्रिकेट स्टेडियम क्यों अपग्रेड हो रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो आपसे गुजारिश है ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। 284 करोड़ रुपए की लागत से ये स्टेडियम दोबारा से बिल्ड किया जा रहा है। इसमें दो फेजेस होंगे। पहला फेज अभी चल रहा है जो सितंबर 2022 तक मुकम्मल होगा। पहले फेज में जहां मॉडर्न जिम, प्रैक्टिस पिचेस विद बॉलिंग मशीन सेटअप, बायोमैकेनिकल लैब कि अगर किसी बॉलर का एक्शन मशकूक हो तो उसको मुकम्मल तौर पर ठीक किया जा सके, प्लेयर्स हॉस्टल और एक मुकम्मल एडमिन ब्लॉक जहां जदीद सहूलतों के साथ साथ वर्किंग ऑफिस और मीटिंग रूम्स भी शामिल होंगे। और यही नहीं, हॉस्टल्स की अकोमोडेशन इंटरनेशनल तर्ज की होगी। और वहीं पर स्टेडियम के स्टैंड्स, पिचेस और ग्राउंड कंडीशन फेज टू का हिस्सा है जो अक्टूबर 2022 तक शुरू होने का इम्कान है, और हमारी दुआ है कि यह जल्द अज जल्द तकमील तक पहुंचे। अगर इसकी तारीख की बात की जाए तो यह स्टेडियम ब्रिटिश राज के दौरान 1909 में बनाया गया था और इसका नाम कोनेली पार्क था। 1979 में इसको अपग्रेड किया गया और इसका नाम भी तब्दील कर जिना स्टेडियम रख दिया गया। ये स्टैंड जो आप देख रहे हैं ये भी तभी के हैं, यानी 43 साल पुराने, जब इसका नाम तब्दील कर इसको अपग्रेड किया गया था। अब ये बहुत पुराने और बोसीदा हो चुके हैं, इसलिए इनको गिराकर दोबारा से नए स्टैंड बनाने का फैसला किया गया है। इस स्टेडियम को अब मुकम्मल होता देखेंगे 2023 के आखिर तक। 113 साल पुराने स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच 1996 में आखिरी बार खेला गया था, मगर अब इस स्टेडियम में दोबारा से इंटरनेशनल मैचेस भी होंगे ऐसा कहा जा रहा है। PCB भी मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रहा है कि छोटे शहरों में क्रिकेट मैचेस करवाकर उन शहरों के इमेज को भी बेहतर किया जाए। PSL के मैचेस भी यहां पर होंगे ऐसा कहा जा रहा है। जाहिर है इस स्टेडियम पर अगर हुकूमत इतने पैसे लगा रही है तो यहाँ पर लोकल मैचेस तो नहीं होंगे, यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस होंगे और उन्हीं की वजह से यहाँ पर फ्लड लाइट्स भी लगाई जाएंगी, ऐसा PCB ने बोला है। चंद दिन पहले हमारे साबिक कप्तान मिसबाह उल हक ने कहा था कि T20 क्रिकेट की बेहतरीन डोमेस्टिक टीमें सियालकोट स्टैलियंस और फैसलाबाद वुल्व्स कहाँ गईं, उनको PSL में शामिल क्यों नहीं किया गया। और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि फैसलाबाद का स्टेडियम भी इसी तर्ज पर अपग्रेड किया जा रहा है। तो क्या PSL 8 में दो टीमें शामिल होने वाली हैं, सियालकोट और फैसलाबाद? ये आने वाला वक्त ज़रूर बताएगा, मगर आप उम्मीद रख सकते हैं क्योंकि रमीज राजा के आने के बाद से पाकिस्तान की क्रिकेट एकदम से बदल गई है और हम ये यकीन रख सकते हैं कि अगले साल PSL का फॉर्मेट इससे बड़ा होगा, इसमें ज़्यादा टीमें होंगी और शायद उसमें सियालकोट और फैसलाबाद की ही टीमें हों। कई नाकदीन का कहना है कि सियालकोट के शहर में अब इंटरनेशनल मैचेस नहीं हो सकते क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक यहां पे कोई 5-स्टार होटल नहीं है, मगर आपकी इतला के लिए समरियाल ड्राईपोर्ट के पास एक 5-स्टार होटल भी जेर तामीर है जो जल्द ही तैयार होकर मुकम्मल हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का मुकम्मल यकीन रखें कि सियालकोट में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आने वाली है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर इतने पैसे हुकूमत लगा रही है तो क्या ये सहूलतें मुफ्त होंगी? जी नहीं, ये सहूलतें सबके लिए तो मुफ्त नहीं होंगी, मगर हकदार प्लेयर्स के लिए ये सहूलतें बिल्कुल मुफ्त होंगी ऐसा कहा गया है। PSL के फॉर्मेट की वजह से जो यंग टैलेंट हमें देखने को मिला, उम्मीद की जा रही है कि सियालकोट की तरफ से भी दोबारा एक ऐसा टैलेंट हमारे सामने आएगा जो इन सहूलतों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान टीम में अपनी जगह बना लेगा। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन जदीद सहूलतों की वजह से अब सियालकोट की क्रिकेट बदलने वाली है? जी हाँ, हम बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। सियालकोट की क्रिकेट ने पाकिस्तान को तीन बड़े स्टार्स दिए हैं, ज़हीर अब्बास, इजाज़ अहमद और हमारे हरदिल अजीज शुएब मलिक। तो दोस्तों, ये था हमारा सियालकोट क्रिकेट स्टेडियम पे एक जामिया वीडियो। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। लव यू 3000। अल्लाह हाफिज।